सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने का मामला तूर पकने जाने के बाद आज कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बरसाना राधा रानी के दरबार में पहुंचकर क्षमा मांगी। प्रदीप मिश्रा के बयान से ब्रज के साधु संतों और ब्रजवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त था। मध्य प्रदेश के कथावाचक प्रदीप मिश्रा राधा रानी मंदिर बरसाना पहुंचकर राधा रानी के सामने माफी मांगते हुए देखे गए। प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर विवादित बयान दिया था। बयान के बाद ब्रज के संत और ब्रजवासियों में गुस्सा था। साधु संतों और गोस्वामी ने पंचायत कर मांग की थी कि प्रदीप मिश्रा राधा रानी मंदिर आकर नाक रगड़ कर माफी मांगे। मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने का मामला तूल पकड़े जाने के बाद आज उन्होंने माफी मांगी है। माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ, पुजारी जी ने खुद इशारा कर कर बुलाया तो तुरंत यहाँ ना हुआ और ग्रामवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालू जी से क्षमा चाहता हूँ।